आई जस्ट होप कि मैं ऑडियंस को अपने एक्टिंग से एंटरटेन करते रहूँ और मैं उनके सारे एक्सपेक्टेशंस पूरी करूँ एज एन एक्टर जी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं एंड आई एम जस्ट यू नो गोइंग टू गिव माई हंड्रेड परसेंट कि मैं उनके जितना नाइन्टी नाइन परसेंट भी कर पाऊ ना तो फॉर मी इट्स लाइक अ विन विन आई डोंट थिंक मैं उनसे वो एक परसेंट ले पाऊँगी बिकॉज आई आई अप्रिशिएट फॉर द सोल एंड द Uh, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज मैं आधे से ज़्यादा कास्ट को जानती हूँ और uh, ये जो अभी राम शहजादे का रोल प्ले कर रहे हैं उनके साथ मैं एक थी ईरानी एक था रावण में थी और मैं अभिषेक को भी काफ़ी टाइम से जानती हूँ और उसके अलावा जो ऑन द सेट जो प्रोडक्शन भी काम करते हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और ये सोनी सब के साथ मेरा दूसरा शो है सो आई वॉज़ फीलिंग वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मैंने सोनी सब के साथ तेनाली भी किया था तो आई वॉज फीलिंग रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट कि मैं फिर से वापस आ रही हूँ सोनी सब पर इन द शो अली बाबा जो काफ़ी यू you नो know, इसकी ड्रेसेस उसमें मैं शहज़ादी का रोल करूँगी सो आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि इसके जो आउटफिट्स कॉस्ट्यूम्स लुक हर चीज़ इतना प्यारा है कि आपको भी उससे प्यार हो जाएगा uh, जी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस रही हैं एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर द एक्टिंग एंड द ह्यूमन शी इज। बट मैं उनसे ऐसा मेरे को कुछ यू नो आई 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 वुड फील जो उनका है वो उनका ही है एंड आई एम जस्ट यू नो गोइंग टू गिव माई हंड्रेड परसेंट कि मैं उनके जितना नाइन्टी नाइन परसेंट भी कर पाऊँ ना

जी मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ अगर आप उन उनमें मुझे देख पा रहे हैं क्योंकि वो ऑडियंस भी मुझे वैसे ही देख रहे होंगे एंड आई फील गुड दैट चलो अगर मैं वही छाप छोड़ पा रही हूँ और वो मुझे वैसे ही प्यार दे पा रहे हैं और ये शो को भी वैसे ही प्यार दे पा रहे हैं बिकॉज़ एज एन एक्टर ये हमारी लाइवलीहुड है हमारा हर चीज़ इसी पर डिपेंड करता है हमारे लिए हर एक नया शो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चलो ये हम यू नो दिस इज़ द टाइम दैट वी कैन वर्क मोर हार्ड हम एक नया रोल प्ले कर सकते हैं हम ऑडियंस को और हमसे प्यार करवा सकते हैं सो so बस मेरा यही मोटिव है कि मैं अपना हंड्रेड परसेंट देते रहूँ और ऑडियंस बेशुमार बेशुमार प्यार हम पे बरसते रहें जी मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश है बिकॉज़ यू नो हमें अगर ऐसे शहजादी के रोल में देखना है, नली बाबा इज सच ए ब्यूटिफुल शो कि मम्मा ने जब ये चीज़ सुनी तो मम्मा तो एकदम खुशी से उछलने ही लगी एंड मतलब ऐसे आपको पता है फैमिली ग्रुप्स होते हैं तो उस पर काफ़ी सारे मैसेजेस आने लगे सो आई वॉज फीलिंग रियली नाइस ये फीलिंग हर एक हर एक के लिए कोई भी जब नया काम करते हैं वो तो एक अच्छा ही फीलिंग होती है वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ख़ुद के लिए भी बट नाउ ओनली विद दैट फीलिंग आई वॉन्ट टू यू नो ग्रो मोर आई वॉन्ट टू वर्क मोर हार्ड एंड मुझे आई आई जस मतलब आई जस्ट होप कि मैं ऑडियंस को अपने एक्टिंग से एंटरटेन करते रहूँ और मैं उनके सारे एक्सपेक्टेशन पूरी करूँ एज एन एक्टर Uh, जी मैं फैंस को यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम आज जो भी हैं वो आप ही के बदौलत हैं तो आप प्लीज़ अली बाबा देखते रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते रहिए क्योंकि हम यहाँ मेहनत सिर्फ आप ही के लिए कर रहे हैं एंड आई होप कि आप हमारे शो से एंटरटेन हो रहे हैं अगर आपके लिए जो भी है आपके रिव्यूज़ आप हमें बता सकते हैं हम डेफिनेटली वो यू नो ध्यान में रखेंगे थैंक यू सो मच